सेवा समिति के कार्यक्रम में आया हुआ है। यहाँ पर सिर्फ महिलाओं ने एक कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम किया है जिसे महिलाओं में जागृति पैदा हो। तो आइए हम जानते हैं कि ये जागृति कैसे उनमें आई और इस समिति का गठन किसने किया। नमस्कार, मैं करिश्मा शर्मा, सिंधु जागृति महिला समिति धर्म ज्योति चैनल को बहुत बहुत साधुवाद और उनको धन्यवाद करती हूँ। धर्म ज्योति के माध्यम से हम अपनी समिति के बारे में बताना चाह रहे हैं कि किस उद्देश्य से हमने ये समिति गठन किया है। जैसे कि हम समाज में बहुत कमज़ोर वर्ग है, हमें उनकी सहायता के लिए हमने ये कदम उठाया है। और जैसे लाचार और गरीब, उनकी आर्थिक मदद के लिए, और जो घर घर में हमारी बहनें जो छोटा छोटा व्यवसाय करती है उनको हम सहायता, उनको एक समाज में उनको अपनापन, अपना पहचान दिलाने के लिए हमने ये समिति गठित की है। और समाज में हम लोग देखते हैं कि कई कन्याएं बहुत गरीब परिवार से हैं, तो उनकी शादी में हम लोग जितना हो सके उनके विवाह में हम लोग उनका पूरा सहयोग दें, बच्चों को और रोगियों को, बच्चों रोगियों को शिक्षा में और इलाज में उनकी सहायता कर सकें। और आजकल आप देख ही रहे हैं कि युवा पीढ़ी बहुत भटकती जा रही है, तो हम अपनी युवा पीढ़ी को अपने धर्म से उनको जोड़ने में हम उनकी कोशिश करेंगे कि जितनी युवा पीढ़ी अपने धर्म में जाए तो वो हमारे एक उद्देश्य है। और जो समाज में जो नशाखोरी और ये नशाखोरी और शराब बहुत आजकल समाज में बढ़ता जा रहा है, उसके हम विरोध जाएंगे। और आगे भी बहुत सारे विचार हैं जो हम अपनी समिति में समाज के लिए जो बेहतर से बेहतर कार्य रहेंगे उसमें हम समाज में हम बहुत उनकी मेहनत करेंगे। और आशा है कि धर्म ज्योति चैनल से हमें ये सब हम लोगों को आसान होगा बोलने के लिए। और जितनी महिला हम लोगों की समिति में जुड़ेंगी हम लोग अपना पूरी तरह से सहयोग करेंगे समाज से। कौन कौन से कार्य जब से समिति बनी है, कौन कौन से कार्य ऐसे किए हैं? हमारे यहाँ पर एक बीमार लड़की और दो लड़कियों की शादी में हेल्प की, कंबल दिए थे और दवाइयाँ, काफ़ी कुछ किया है हमारी समिति ने। जरूरतमंदों की मदद करता है आपकी समिति जो है, जरूरतमंद की मदद करता है। और जो ब्लाइंड लड़कियां हैं उनको हम लोगों ने जो रोजगार में जो काम है उनकी जो भी यूजफुल चीज़ें उनको यूज होती हैं वो आपने प्रोवाइड कर रही है। और आने वाली ऐसी कौन सी योजनाएं हैं आपकी समिति की जो आप बताएं? पहले तो अभी यहाँ देख रहे हो धर्म ज्योति के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ, जो ये आप फैक्ट देख रहे हो, कुछ महिलाएं जो हमारे पास आई थी उनका कहना था कि हम तो हुनर तो सभी लेडीज़ के पास रहता है पर सही वे पर उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, तो हमने उनको प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की है। हम जो ये प्लेटफॉर्म दिए इनके परमानेंट समझो लाइफ टाइम तक इनको ये इनके कस्टमर यहाँ पर बन जाएंगे। आज ये सबसे पहला हमारा एक कार्य था रोजगार दिलाने का। सेकेंड, हम ये सोच रहे हैं कि अब जो समर वेकेशन आ रहा है, समर का मतलब टाइम आ रहा है, तो जगह जगह थोड़ा प्यालगर खुलवाएंगे, पशु पक्षी के लिए थोड़ा जगह जगह पानी की व्यवस्थाएं करवाएंगे और शिक्षा की तरफ सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे। छोटे छोटे बच्चे जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं उनको शिक्षा दिलाने की कोशिश करेंगे। और हमारा सबसे ज़रूरी जो हमारा एक ग्रुप शुरू किया था ईश्वर सेवा, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा, हम उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे, यानी मानव की सेवा ही ईश्वर सेवा है, इस चीज पर हम ध्यान देंगे। और धर्म ज्योति का बहुत सारा बहुत बहुत धन्यवाद कि इस माध्यम से हमें बोलने का मौका दिया जा रहा है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और की ये समिति में जो जो मेंबर जुड़े हैं उनको जुड़कर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप अभी अभी जुड़ी हैं? नहीं, बोर्ड मेंबर है, बोर्ड मेंबर है। मतलब समिति बनकर सबको बहुत खुशी हो रही है और हम तो चाहते हैं कि और लोग भी जुड़े आगे आए और लोगों को उनको ऐसे लोगों को मदद करें, उनकी सहायता करें जो बहुत जरूरतमंद। बहुत अच्छा ग्रुप बड़ा हो रहा है, उतने उतने आइडियाज हम लोग को आ रहे हैं, आइडिया सही बात है, जो कॉमन आइडियाज बेस हो रहे हैं उनके ऊपर वर्क करें। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं आपकी समिति समिति दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। हेलो, हम ओम साई राम, मैं हूँ ममता पटवीदर, मैं सिंधु जागृति महिला समिति की एक सदस्य हूँ। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, यह समिति एक उड़ान है हौसलों की, रोशनी की, जागृति की। इसका उद्देश्य यही है कि इसके द्वारा महिलाएं जुड़कर विश्व स्तर पर अपने को, अपने व्यक्तित्व को विश्व एक शक्ति के रूप में प्रदर्शित करें।